ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू टू ईस्ट वार्ड इंटर ए रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ईस्ट वार्ड ईस्ट मेरा इधर है ईस्ट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है जैसे ही मैं ईस्ट में छोड़ूंगा चार्ज पार्टिकल को तो फिर क्या होगा द पार्टिकल विल हाँ अब देखो मैग्नेटिक फील्ड देखना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है वेलोसिटी इधर है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो जैसे मैं चार्ज को छोड़ूंगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि वो व्ही क्रॉस बी एक फोर्स फील करेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो वी क्रॉस बी तो व्ही क्रॉस बी मतलब बाहर बाहर की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा उस पर एक फोर्स लगेगा जो बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है रियल लाइफ में देखो तो जब ऐसे छोड़ोगे तो V क्रॉस B मतलब इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा B ऊपर है V इधर है तो B क्रॉस B इधर फोर्स लगा तो जब ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे नहीं जाएगा ना यार फोर्स इधर लग रहा है तो इधर जाएगा तो यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ से लौट के आएगा सर्कल में मूव करेगा और इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म करेगा और जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन वो ज़ीरो होता है तो काइनेटिक इनर्जी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और वो एक सर्कुलर पाथ में चलेगा मूव इन ए सर्कुलर पाथ एक आप स्टैंडर्ड रिजल्ट उथ डिक्रीजिंग स्पीड बिल्कुल गलत है मूव इन ए सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड ये सही है डिफ्लेक्टेड ये गलत है ये भी गलत है ठीक है